स्कूल में क्या किया था? क्यों ऐसे कूल होया था यार? मम्मा छोड़ के चली गई थी। हॉस्पिटल में कोई एडमिट है? तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो नई सुबह हो गई है, सीरत उठ गई है, उसका लंच वंच भी पैक कर दिया है स्कूल जाने के लिए। सीरत बिल्कुल रेडी है, मैं भी रेडी हो गई हूँ जिम जाने के लिए। हालांकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आते टाइम अंकित ने बोला है कि जिम से निकलते ही डॉक्टर के पास चलेंगे, तेरे को दवाइयाँ दिला दूंगा, उसी से ठीक होगा। क्योंकि मैं खा रही हूँ PCM और सेराडॉन्स, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे। हालाँकि और बद से बदतर होता जा रहा है, आज तो आँखों में भी दर्द हो रहा है इतना ज़्यादा। तो बस सीरत रेडी है, अंकित रेडी हो रहे हैं जिम जाने के लिए, और सीरत को मैंने बिल्कुल रेडी करके यहाँ पे लिटा दिया है। शियू 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 हाय करो। हाँ ये बोलो, स्कूल जा रही हो? नहीं नहीं। और सीरत ने अपना दूध भी पी लिया, आपको ये कप दिख रहा होगा, दूध पी के फिनिश कर चुकी है, रेडी हो गई है, ये बैग भी रेडी है। तो बस इसको ड्रॉप करते हैं, जिम जाते हैं और फिर जाऊंगी मैं दवाई लेने। और इसके शूज़ भी मैंने एक्सचेंज के लिए दिए हुए थे, उन्होंने बोला था 5-6 दिन लगेंगे सबसे छोटा साइज़ मंगाने में, तो होपफुली वो भी आ गए होंगे आज। तो पहले शूज़ पिकअप करूंगी, फिर दवाई लूंगी और फिर घर आऊंगी। अरे पैर बांगे हो रहे हैं, पैर भारी कर दिए वीडियो के चक्कर में, भगा दिया इन्हें। चलो अब हो गया आज का। हाँ कल क्या कर रहा है? तो जिम से हम लोग निकल गए हैं, और हम दोनों का ही वेट 2-2 किलो कम हो गया है। 2 किलो वजन कम हो गया मेरा, आपको पता है? 50 किलो कम हो गया सच्ची मशीन पे। आज 50 किलो बताओ मेरा वेट वेट कितना है आपका? होगा 60 समथिंग। 60 समथिंग नहीं, 70 लगी है हजार की। आप करो, मतलब क्या आप कम कह रहे हो? नहीं ज्यादा ज्यादा होगा तो आपका होएगा 72 80 72 कौन सा ये रे देगा सब दोनों गलत है। दोनों गलत है, मैंने 80 बोला था। ओ भाई इतने हल्क से हो फिर भी इतने पतले क्यों दिखते हो? ये देखो मेरा, देखो वाह आपसे ज्यादा तो मेरा है। अटली से तो कमर है, 81 कैसे है यार? मेरा कितना है? मैं भी करूँगी, ये देखो 64 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मैंने आपको घर के 66 दिखाया था। 2 किलो कम हो गया दोस्तों। प्रिया मेरे को अपनी उधर ले जा यार, पीठ पे मैंने आज वो कर लिया है। मत करो यार, टेक्स्ट कराया मैंने, मेरे पैर देख रहे कैसे चलेंगे इसके, देखो टेढ़े मेढ़े से। अब तो प्रिया बात है, मैं उससे ज्यादा करता हूँ जिम में, पर डाइट तो फॉलो नहीं करता ना। मैं डाइट भी फॉलो करती हूँ। तू क्या डाइट फॉलो करती है? जो उसने दिया वही खाती हूँ। वही खाती हूँ, कितनी झूठी है। अभी मैंने आप लोगों को बताया सीख रोल इसने खाया, ब्रेड रोल इसने खाया। एक आधा लोग है जो हमें देख के कुछ करना चाहते हैं, तो उसके भी बैंड बजा देते हैं। बैंड या मैं तो सच बताता हूँ भैया, सच बोलना पाप है। तुम चल, मैं चलो, मैं सच बोलता हूँ, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। देखा हाथ जोड़ लिया ना इसने, क्योंकि सच कड़वा होता है। तुम पूरा बड़क, तुम सीधे क्या बोल रहे हैं? देख रहे हो, सच बोलो ना, बंदे को गुस्सा आता है, इसको भी गुस्सा आ रहा है सच बोलने से। पीछे बॉडी दिख रही है ऐसी, मैंने बता दी ये वाला। तो अब हम जा रहे हैं सीरत के शूज का स्टेटस पूछने कि क्या है, आ गए हैं, छोटा साइज है, नहीं आया है, क्योंकि 1 हफ्ता हो गया वेट करते हुए। इन केस अगर नहीं आया होगा तो फिर मैं पैसे रिफंड लेके 1 राउंड सदर लगाऊंगी, सदर मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो फिर मैं अमेजोन पे, मैंने देख लिया है 6 नंबर अवेलेबल है। वैसे ना ये बहुत, ये ना गलत काम कर रही है। अभी उसके बाद ना जो शूज है वो उसको अच्छे साइज आ रहा है, और वो मानता हूँ कि ब्लैक नहीं है, ब्लू है, उसकी ड्रेस से मैच हो रही है। गई हो कभी यूनिफॉर्म का मतलब? यूनिफॉर्म होता है ब्लैक नहीं, ब्लू पहना दो। अरे यार उसका अभी प्ले स्कूल है, प्ले स्कूल में इतनी दिक्कत ही होती, जब तक तू बड़ा साइज लेगी तब तक उसका पैर का साइज बड़ा हो जाएगा। बच्चों का साइज पता है कितनी जल्दी बड़ा होता है? तुम्हारा तो नहीं हुआ। Thank you.
शूज आ गया भैया, छोटा नंबर ब्लैक आ गया। कितना छोटा है, 7 आया 6 आया? दोनों है, दिखाओ। फोन क्यों नहीं किया आपने? कहा था फोन करूंगा मैंने, आपसे कहा था कि शाम को आ जाना। शाम को नहीं, आपने बोला 2-3 दिन बाद नंबर लिखा था आपने, फोन करके बताऊंगा। 7 और 6 दिखा दो। और ये 7 नंबर ले यार, 6 नंबर इतना छोटा होगा, अभी 2 दिन आएगा, तीसरे दिन नहीं आएगा। अभी छुट्टी भी तो पड़नी है। हाँ 7 ले ली। ये अभी तू नैनीताल जा रही है, नैनीताल से वापस आके पैर बड़ा हो जाएगा, फिर तू बड़ा ले। बड़ा लेना पड़ेगा यार, इतना बड़ा तो बहुत बड़ा आएगा बच्चे को, ऐसे लटका लटका के चलेगी वो। पैर ज्यादा पतले, 2 साल की बच्ची है, पैर कैसे पतले? स्कूल की छुट्टी होती तब आए थे यहाँ पे लेने, आके चेक करवा लेते। दोनों बचा के रखोगे? मैं 12:30 आऊँ? दोनों रखना लेकिन, ठीक है 12:30 आते हो। तो शूज तो मिल गए हैं 6-7 नंबर के और 6 नंबर भी, बट मैं कंफ्यूज हूँ। अंकित कह रहे हैं बड़ा ले ले, बट मेरा मानना है बड़ा कुछ टाइम बाद दोबारा ले लेंगे, अभी जो साइज फिट आ रहा है वो तो ले, बच्चे को क्यों बड़े में औखा करना। दूसरी चीज़, अभी सुबह के सिर्फ 11 बजे है, मतलब सुबह ही है, 12 बजे के भी 11 बजे, और इतनी गंदी गर्मी है ना कि मैं बता नहीं सकती। मेरे को लग रहा है मेरी ब्यूटीफुल स्किन चल सकती है, पहले ही जली हुई है बेटा। दिल की बात हो रही है, तुम्हारे दिल की नहीं। तवे का उल्टा हिस्सा जो होता है ना, वो है दिल, वो तो सफेदी की जो वो होती है ना परत, वो लगा के गोरी हो जाती है। अभी मुंह पे हल्का सा पानी मारेगी ना, अभी मार लो वो, क्या मैं पहचानना मना कर दूंगा। कुछ भी बोलना चाहती है क्योंकि तू बोलने लायक ही नहीं है, सच है तो सच है। हाँ भाई, तो क्या बना रही है जिम में? तो तू एक्सरसाइज करके नहीं आई। किसको बुखार है ये देखना, ये इसको बुखार कहते हैं, जो ठंडा है उसको बुखार कहते हैं, और ये ठंडा है इसको गर्म कहते हैं। ओए होए, आज तो शिमला मिर्च बना रही है, ये कैसे बना रही है तो बता। भरवा भरवा पता किसको कहते हैं? भरी हुई को, तो कुछ और होता है। क्या होता है? क्या होता है यार? अंडे उबाल दिए हैं, खिला तो दो प्रिया, मेरे को बहुत जरूरी काम जाना है, जल्दी कर दे फटाफट यार। कितनी देर में बन जाएगा? कितनी देर में अंडे दे देगी? तूने अंडे देने हैं? तू मुर्गी है? क्या छील लो बताओ यार, अंडे भी खुद छीन। मम्मी आपको आलू का टोस्ट बना दूं? स्कूल में क्या किया था? ओ, क्यों ऐसे कूल होया था यार? मामा तो है। मामा छोड़ के चली गई थी? और मैम ने क्या क्या सिखाया? मामा डांची। मैम ने क्या सिखाया? डांची। और लंच खा लिया था? प्याज का पराठा खा लिया था? हाँ, कैसा बनाया था मामा ने? यम्मी। और मैंगो फ्रूट खा लिया था? Yes. और कैसे रोया था स्कूल में? Wow. यही खड़ी होकर नाच रही थी। जूती हुई सीरत के मैंने ले लिए, सॉक्स और बेल्ट मैंने ले लिए, सीरत की बैग में डाल देना इसके। तो फाइनली सीरत को आया है 6 नंबर, जो मैंने बोला था वो ही, जो इनके पिताजी ने बोला था ना, वो तो लग रहा है कि ये 2 साल बाद खुद ही पहनेंगे। ये देखो भैया भी हंस रहे हैं। भैया मैंने सही बोला था ना? अरे हाँ, तूने भैया MBBS की पढ़ाई पास कर ली, सही बोल गए। सीधे ये वाला ठीक है, फिट है? अच्छी नहीं है ये? अच्छी है, चलो ये पहन ला। बस इनको कोई काम नहीं है। नहीं रुको, तो मैं को बोलने दो, इनको कोई काम नहीं है, बस कपड़े उतार के अपनी बॉडी देखते रहते, जबकि बॉडी कुछ भी नहीं है। थूक भी बॉडी है, थूक पता नहीं चलेगा, व्यूअर से पता चलेगा। व्यूअर्स आप लोग बताओ। अच्छा, और सही सही बता रहा, वैसे तो मेरे को पता है गलती बता रही है, आप लोग गाली ही दोगे। बॉडी के अंदर थोड़ा सा भी फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को, चेस्ट में या कहीं पे? ये देखो। अच्छा, और क्या बन, और क्या बनता है? पेट अंदर चला गया है। हाँ, और क्या बन क्या रहा है? तुम क्या बोल रहे थे? ये बैक बन रही है, वी बन रहा है, वी डब्लू बन रहा है।
वी अभी कहाँ बनेगा, वी बनने में बड़ा टाइम लगता है। प्रोसेसिंग में है, हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना आपको, सुबह जिम जाना है और रात को जो आप खा सकते हो, मोमोज, बर्गर, स्प्रिंग रोल। कसम है तुझे पैदा करने वाले की। कसम है तुझे अपने पैदा होने वाले, जिसने तुझे पैदा करा है। अच्छा, तू एक बार बता दे मैंने मोमोज स्प्रिंग रोल कब खाए हैं? सीख रोल नहीं खाया कल। कब खाया? परसों। तूने भी तो खाया। अब खा जो कसम, किसने कितना खाया? तूने खाया पूरा, एक मैंने खाया आधा। बस बोल गए झूठ। ये झूठ हो गया, जो मतलब सच होता है वो झूठ होता है और जो झूठ होता है वो सच होता है। कुछ भी बोलो, जो तुम्हारा पेट लटक रहा है ना, थुल थुल, मजा आ गया बॉडी देख के। इसको पेट लटक, गिव यू 2 मंथ्स मोर, उसमें क्या हो जाएगा यार? उसमें मेरी थोड़ा सा इंग्लिश में बना दो, लोग तुम्हारा व्लॉग इंग्लिश में चाहते हैं, थोड़ा इंग्लिश में बोलो। पंजाबी में चाहते हैं, इंग्लिश में। नहीं तुम इंग्लिश में बताओ यार, बस 2 महीने दे दो मैनू। नहीं नहीं इंग्लिश में बोलो, ये सेम चीज़। बात ता फट्टे चक देंगे। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं और घर से निकल गए हैं, और निकलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, और जब मैं पहुंच जाऊंगा तो आप लोगों को भी दिखा दूंगा कि कौन है वो एडमिट। और मेरा आज का नया लुक देख लो, ये मैंने अपने आप बांधा है, थोड़ा मुझे पता है कि सही नहीं आया लेकिन ठीक है, क्योंकि पहली बार बांधा है मैंने, मेरे को आता नहीं था, इसको पन्ना बोलते हैं, लेकिन ठीक है। बाकी अब आपको रास्ते में दिखाते हैं, और जाना है मेरे को गंगाराम हॉस्पिटल, और गंगाराम हॉस्पिटल पहुंच के आपसे मिलता हूं। In 900 meters, keep left. मम्मी तो डरी गई थी कि इतनी ऊपर कहाँ लगा रहे, सीढ़ी से वापस भी उतरना पड़ेगा। मैंने लिफ्ट है, टेंशन ना लो, 10वें फ्लोर तक पार्किंग है लेकिन लिफ्ट है। तो बस अब पहुँच गए हैं हॉस्पिटल और मिलते हैं पेशेंट से, और फिर वापस निकलेंगे फटाफट। तो गंगाराम में जो पेशेंट था उनसे मिल लिया है, आप लोगों को दिखा नहीं पाए क्योंकि ना आप लोगों को अगर मैं दिखाता तो वहाँ पे जगह जगह पर उन्होंने लिखा भी हुआ था कैमरा था नॉट अलाउड, पता नहीं ऐसा क्यों लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने अंदर कैमरा ऑन ही नहीं किया। तो मिल लिया है और अब गंगाराम से निकल रहे हैं घर की तरफ, और घर मिलकर घर पहुँच कर मिलते हैं आपको। प्रिया आई नहीं थी, प्रिया इसलिए नहीं आई थी क्योंकि जॉब चल रही है, सीरत भी घर पर है। तो और हॉस्पिटल में पहले सोचा सीरत को भी लेके आऊँ, लेकिन फिर प्रॉब्लम ही आती है आजकल, बीमारियां वगैरह इतनी फैल रही हैं, तो बच्चों को बहुत जल्दी कैच होता है ये सब कुछ ना, और बच्चों को शायद हो सकता है कि अगर मैं लेकर भी आता तो उसको अंदर ही ना जाने देते, तो अच्छा हुआ सीरत को नहीं लेकर आए। बाकी अब घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो कितना इंजॉय कर रहे हैं, कितना परेशान है। तो अंकित वापस आ गए हैं, किसी जिनसे मिलने गए थे हॉस्पिटल में उनसे मिल के आ गए हैं। आते ही हम लोग, मेरा ब्रेक था, फटाफट गए हैं वीकली मार्केट सब्जी लेने के लिए, तो बस अब सब्जी लेके आई हूँ मैंने फटाफट अपने ब्रेक में ही, मतलब आधा ब्रेक खत्म हो गया था, सब्जी लेने में 10-5 मिनट बचे थे उसमें फटाफट बना दिया खाना क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। तो हमारा चल रहा है इधर सैलेड, ये सीरत खा रही थी बट उसने इतना छोड़ दिया, जो भरवा शिमला मिर्च बनाई थी ये हटा के वो खा रही थी। आके मैं बाज़ार से मोटी मिर्चें दिख गई थी तो बहुत मन कर गया खाने का, तो मैं ये मोटी वाली मिर्चें ले आई थी, और इसमें मैंने आलू की फिलिंग करके और मसालों की फिलिंग करके मैंने ये मिर्चें बनाई है। देखो देखने में कितनी स्वाद लग रही है। एक प्लेट सैलेड हम दोनों खा चुके हैं, तो अब हमारा मैंने बनाया पुलाव, और पुलाव मम्मी लेके आ रही है पुलाव और दही, तो बस हम खाएंगे मिर्च के साथ पुलाव, एंजॉय करेंगे और फिर सो जाएंगे। चल। बस अब सीरत को सुला दिया था बट कैमरे की आवाज़ सुनते ही ये उठ गई है, या सो जाओ स्कूल जाना है, बट अभी उठेगी नहीं, सोई जाएगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं आपको महाराज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको महाराज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बढ़िया 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 से कमेंट्स करें। गन्नी बीच बीच में आके बोल दे रही है तो जूती बाय बाय।
क्या हुआ क्या हुआ? बाय नहीं करनी, ऐसे उठवा लूंगी ऐसे, बाय बाय। चलो सीरियस, बस बस लग जाएगी बेटा।